नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सॉल्टेंट की ऑनलाइन क्लास नव जागृति में। साथियों, आज मैं संधि के बारे में बताने वाला हूँ। संधि का हिंदी भाषा में बहुत अधिक प्रयोग होता है, जिसके कारण शब्द अपने नियमित रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और सांकेतिक लिपि में सॉल्टेंट में पूरे संकेत लिखने पर गति में रुकावट आती है, स्पीड से नहीं लिख पाते हैं। इसलिए इनके नियमों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन नियमों के अनुसार लिखे जाने पर शब्द बहुत छोटे संकेतों में लिखे जा सकते हैं। संधि में कम से कम दो शब्द होते हैं, पहला जिसमें संधि की जाती है और दूसरा जिसकी संधि की जाती है। जिसमें संधि की जाती है उस शब्द को यथा नियम पूरा लिखना चाहिए। जैसे संकेत लिपि में नियम बताए गए हैं, उन्हीं नियमों के आधार पर लिखा जाना चाहिए। पर जिस शब्द की संधि की जाती है उसका पहला अक्षर, जिस शब्द में संधि की जाती है उसके पहले या बाद में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान पर शब्द के पास में लिखना चाहिए। पहले से तात्पर्य यहाँ वर्णाक्षर के लेफ्ट हैंड साइड से है और बाद का मतलब वर्णाक्षर के राइट हैंड साइड से है। पहले आरंभ में लिखने से ए पढ़ा जाएगा और बीच में यानी कि सेकंड प्लेस पर लिखने से ए या ओ पढ़ा जाएगा और अंत में यानी कि थर्ड प्लेस में लिखने से ई पढ़ा जाएगा। बाद में यानी कि राइट हैंड साइड में लिखने पर आरंभ में यानी कि फर्स्ट प्लेस पर लिखने से आ या आ पढ़ा जाएगा और बीच में यानी कि सेकंड प्लेस पर लिखने से ओ पढ़ा जाएगा और अंत में यानी कि थर्ड प्लेस में लिखने से ऊ पढ़ा जाएगा। आड़ी रेखाओं में पहले ऊपर की तरफ और बाद नीचे की तरफ समझा जाता है, यानी कि पहले लेफ्ट साइड ऊपर और नीचे यानी कि राइट हैंड साइड नीचे की तरफ समझा जाता है। इन संधियों का प्रयोग उन शब्दों के लिए नहीं करना चाहिए जो छोटे हों और आसानी से लिखे जा सकते हों। संधि के कुछ उदाहरण मैं बताता हूं, जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे परमेश्वर, परमेश्वर की संधि बन रही है परम धन ईश्वर। परम को हम पूरा लिखेंगे परम, पा रा और माँ, परम और ईश्वर, क्योंकि ईश्वर जिस शब्द की संधि की जाती है यानी कि ईश्वर की संधि यहाँ पर की जा रही है, तो उसका पहला अक्षर जिस शब्द में संधि की जा रही है उसके प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान पर रखेंगे, तो इसमें जो स्वर आ रहा है वो ई आ रहा है और ई के लिए जैसा कि बताया गया है कि ई का स्वर अगर आएगा तो पहले तृतीय स्थान पर लिखेंगे जिस शब्द में संधि की जा रही है। यहाँ परम में संधि की जा रही है तो परम का तृतीय स्थान पामिक, पा का फर्स्ट प्लेस यहाँ पर, सेकंड बीच में और थर्ड यहाँ पर, और यहाँ से थर्ड प्लेस यानी कि बायां पहले, पहले का मतलब बायां लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड पा का इधर है, और यहाँ के तृतीय स्थान से हम ईश्वर का पहला वर्ण यानी कि शा को हम यहाँ से लिखेंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे परम धन ईश्वर, इस सा को हम ईश्वर पढ़ेंगे। जैसे श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि को संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, श्रद्धा प्लस अंजलि, तो इसमें श्रद्धा को पूरा लिखेंगे सामे रा का आंकड़ा और धा, श्रद्धा और अंजलि इसकी संधि की जा रही है और इसका पहला अक्षर, अंजलि का पहला अक्षर आ, इसके लिए निर्धारित किया गया है पहला स्थान राइट हैंड साइड पर, यानी कि श्रद्धा के सामने श्रद्धा और इसमें पहला स्थान साके यानी कि फर्स्ट प्लेस यहाँ पर सीधे हाथ पर राइट हैंड साइड पर यहाँ पर होगा और इसमें आ के लिए प्रथम स्थान निर्धारित किया गया है, और क्योंकि अंजलि में ना पहला अक्षर आ रहा है तो हम ना को प्रथम स्थान पर बनाएंगे अंजलि के लिए, अंजलि यानी कि इसको पहले हम श्रद्धा पढ़ेंगे और उसके बाद अंजलि पढ़ेंगे इसको। इसी प्रकार सिंहासनारूढ़, इसकी संधि विच्छेद करेंगे सिंहासन प्लस आरूढ़, तो सिंहासन को हम पहले पूरा लिखेंगे सिंहासन यानी कि साकाव्रत गा और फिर साकाव्रत और ना, सिंहासन और आरूढ़, आरूढ़ में पहला जो स्वर आ रहा है वो आ, और आ के लिए निर्धारित किया गया है प्रथम स्थान जो बाद में यानी कि
राइट हैंड साइड पर, और आड़े अक्षरों में जो राइट हैंड साइड होता है वो नीचे की तरफ होता है। तो यहाँ पर हम पहला अक्षर इसका आरूढ़ का रा है, तो हम रा को प्रथम स्थान पर सीधे हाथ की तरफ यानी कि नीचे की तरफ रा को बनाएंगे, और पहले इसको सिंहासन पढ़ेंगे और उसके बाद रा से आरूढ़ पढ़ेंगे। जैसे सिंहावलोकन, इसकी संधि विच्छेद सिंह प्लस अवलोकन, तो यहाँ पर सिंह, सिंह को हम पूरा लिखेंगे साकव्रत और घ सिंह, और उसके बाद प्लस अवलोकन, अवलोकन में स्वर आ आ रहा है और आ के लिए वही जैसे पहले निर्धारित किया गया था, तो आ के लिए यानी कि प्रथम स्थान निर्धारित किया गया है राइट हैंड साइड पर, तो इसको हम राइट हैंड साइड पर प्रथम स्थान पर लिखेंगे। इसका अवलोकन का पहला अक्षर, पहला अक्षर है वा, और वा को हम प्रथम स्थान पर सिंह के लिखेंगे, और यहाँ पर पहला स्थान नीचे की तरफ होगा क्योंकि आड़े अक्षरों पहली नीचे स्थान नीचे राइट हैंड साइड होता है, तो इसको अवलोकन का यानी कि वाक पहला हम लिखेंगे यहाँ पर प्रथम स्थान पर, और पहले हम इसको सिंह पढ़ेंगे फिर उसके बाद अवलोकन पढ़ेंगे सिंहावलोकन। जैसे महोत्सव, महोत्सव की संधि विच्छेद महा प्लस उत्सव, तो महा को हम पूरा लिखेंगे माँ और हा का व्रत, और उत्सव, उत्सव के लिए यानी कि ओ उत्सव, तो ओ के लिए जो निर्धारित किया गया है वो बीच में इसके यानी कि सेकंड प्लेस पर सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड साइड पर निर्धारित किया गया है, और इसका पहला अक्षर जो आ रहा है वो ता आ रहा है, तो इस ता को हम सीधे हाथ की तरफ यानी कि नीचे की ओर बीच में सेकंड प्लेस पर ता बनाएंगे। पहले इसको हम महा पढ़ेंगे उसके बाद उत्सव पढ़ेंगे, यानी कि दोनों मिलाकर के इसको पढ़ेंगे महोत्सव। इन सारे ही शब्दों को हम संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे और समझेंगे, लेकिन संधि विच्छेद को समझने के बाद हम पूरा शब्द पढ़ेंगे। जैसे परमेश्वर, परमेश्वर पूरा शब्द है और इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तब इसको परम धन ईश्वर, यानी कि पहले हम यहाँ पर परम पढ़ेंगे उसके बाद प्लस यानी कि ईश्वर जो आ रहा है ईश्वर पढ़ेंगे, परम धन ईश्वर को मिलाकर के क्या हो जाता है परमेश्वर, तो इसको हम परमेश्वर पढ़ेंगे। जैसे श्रद्धांजलि, तो श्रद्धांजलि की जो संधि विच्छेद की वो श्रद्धा प्लस अंजलि, और श्रद्धा प्लस अंजलि हम लिखेंगे यहाँ पर श्रद्धा लिखेंगे और प्लस अंजलि इसको पढ़ेंगे हम, लेकिन पूरा शब्द हम इसको पढ़ेंगे श्रद्धांजलि। इसी तरह से सिंहासनारूढ़, तो सिंहासनारूढ़ में सिंहासन प्लस आरूढ़ जो लिखेंगे हम वो सिंहासन प्लस आरूढ़ के हिसाब से लिखेंगे, यहाँ पर सिंहासन फिर आरूढ़ पढ़ेंगे, लेकिन पूरा शब्द इसको जब पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे इसको सिंहासनारूढ़। जैसे सिंहावलोकन, तो सिंहावलोकन में सिंह प्लस अवलोकन, इसको हम यहाँ पर सिंह प्लस अवलोकन पढ़ेंगे, लेकिन समझेंगे इसको हम सिंह प्लस अवलोकन का शब्द क्या बनता है सिंहावलोकन, तो इसको हम सिंहावलोकन पढ़ेंगे। जैसे महोत्सव, तो महोत्सव में संधि विच्छेद बन रही है महा प्लस उत्सव, तो इसको हम जो लिखेंगे महा प्लस उत्सव के हिसाब से लिखेंगे, लेकिन जब शब्द पढ़ेंगे हम इसको तो महोत्सव पढ़ेंगे। लगातार नया सीखने के लिए नवजागृति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल के आइकॉन को सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।